हेलो नमस्कार आल लीडर्स, मैं रोहित राज मौर्य आज आप लोगों के बीच में आज कुछ अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ। अगर वीडियो लंबा होगा तब भी देखिए, लास्ट तक देखिए। आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोग मॉल 91 में अक्सर फेल क्यों होते हो और आपकी टीम क्यों होती है और टीम की कम होने की वजह भी क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को जब मॉल 91 बिजनेस में लाया जाता है तो आप अक्सर देखते हो कि आगे वाला आपको क्या क्या चीज़ बताता है, इस बिजनेस में क्या जोड़ते हो, क्या देख के आप इस बिजनेस को जोड़ते हो। बात समझ में? जो चीज़ आपको दिखा, जो चीज़ इस बिजनेस में आपको दिखा, वो चीज़ बस उन लोगों को बताना चालू कर दो, दिखाना चालू कर दो, फिर देखो आपकी टीम पे कैसे प्रभाव पड़ता है। अब आप आते हो, आपका देख रहे हो आपका अपलाइन इस बिजनेस में आपको एक अच्छे तरीके से बता रहा है इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है, इसमें क्या करने पे आपको बेनिफिट होगा। आपका अपलाइन आपके साथ जुड़ के इतना अच्छा इनकम करता है, ठीक है, आपके साथ इतना अच्छे से बात करता है, वो रात भर आपको सिखाता है, दिन भर सिखाता है, पता नहीं आपको क्या नहीं समझ में आता है, ठीक है। फिर और दूसरी बात, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होता है, दूसरों से शर्माना, ठीक है, और आप दूसरे से शर्माते हो इसीलिए आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है सर। अक्सर मेरी टीम में देख रहा हूँ लोग अपनी डाउनलाइन से बात नहीं करते, बोलते सर थोड़ा आप बात कर लीजिए, अपनी अप्लाइंग को थमा देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, कि आप अपने अप्लाइंस से बात करवाते हो, एक लोगों से बात करवाते हो, दो लोगों से बात करवाते हैं, चलिए ठीक है, तीन लोगों से बात करवाते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, चलिए 10 लोगों से भी बात करवाते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन सभी मतलब क्या सभी लोगों से आप ऐसा ही बात करवाओगे? लीडर का मतलब समझते हो, अपलाइन का मतलब समझते हो? अपलाइन आपके सिर्फ अपलाइन वो होना चाहिए, आपको अपलाइन का अहमियत देना चाहिए। अपलाइन सिर्फ आपके जानते हो किस काम में आना चाहिए, आपके कोई मतलब आपको बता दूं, कोई प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, मतलब अपने अपलाइन से सॉल्व करो, अपने अपलाइन से पूछो और अपने डाउनलाइन को बताओ। अपलाइन इसलिए होता है ना कि अपलाइन को लो सर आप अप्रोचिंग कर दो, लो सर आप इनको बता दो, लो सर बिजनेस पूरा बता दो। हाँ मानता हूँ एक लोगों से, दो लोगों से, चार लोगों से, 10 लोगों को बात करवा सकते हो, ठीक है, बात करवा सकते हो और बता सकते हो। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर कि बिजनेस पे ध्यान दीजिए और अपने माइंडसेट को ना, अपने माइंडसेट को एक ऐसा स्किल दीजिए कि जो आप बिजनेस में इतना तेजी से बढ़ रहे हो, ठीक है, तेजी से पढ़ो, बहुत तेजी से पढ़ो, ठीक है। आपका अपलाइन जो बोलता है आपके भले के लिए बोलता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अपलाइन मेरे अपलाइन बोलते हैं तो मुझे तकलीफ कुछ होता है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी टीम तोड़ते हैं। अरे अपलाइन आपकी क्यों टीम तोड़ेगा बताइए आपको, जो अपलाइन आज मेरे अपलाइन जो मुझे बोले करने के लिए, ठीक है, मैंने वो चीज़ किया, आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, वीडियो बना रहा हूँ, सामने खड़ा हूँ। अगर आज मेरे अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे जैसा बोलते वैसा अगर मैं नहीं करता, जैसा आप लोगों की टीम नहीं बढ़ रही वैसा मेरा भी होता है, ठीक है। अब टीम आपकी क्यों नहीं बढ़ रही वो भी मैं बता देता हूँ। अक्सर क्या करते हैं आप लोग, अपने डाउनलाइन से बात नहीं करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, राइट। ये हर लोगों का क्वेश्चन था और हर लोगों का मैं आंसर दे रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है, कड़वा लगेगा तो कोई बात नहीं लेकिन सच्चाई है, ठीक है सर। आप लोग क्या करते हो, अपने टीम से बात नहीं करते, ठीक है। अब बहुत लोग देखता हूँ मेरे टीम में वो नए नए लोगों से बात करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं से भी नंबर निकाल के उन लोगों को डायरेक्ट कॉल करते हैं और ज्वाइनिंग लगा लेते हैं। लेकिन आपके पास खुद बंदा आता है उससे बात करके ज्वाइनिंग अच्छे से नहीं लगा पाते हो, उससे शर्मिंदगी करते हो, वो बंदा आपका नीचे वाला काम कर रहा है तब भी आप उससे शर्मिंदगी महसूस करते हो। क्यों क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? आप अपने आप से पूछो, क्या आप यहाँ पे इस बिजनेस में किसी की चोरी कर रहे हो, किसी को गलत शब्द बता रहे हो या किसी को गलत चीज दिखा रहे हो? पूछो अपने आप से, ठीक है, और पूछो, जब तक ये खुद का जवाब नहीं मिले तब तक बताना मुझे, मेरे कमेंट में बताना कि क्या है आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज है, अपने माइंडसेट को अच्छे से कंप्रोमाइज करिए, ठीक है। आप शर्म करते हो, चलो एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी क्या है कि आप देखो अक्सर क्या करते हो, अपने दोस्तों की शादी में जाते हो,
और वहाँ पे डीजे बाजा जो भी होता है सब कुछ लेके जाते हो, लेके जाते हो। अभी एक दोस्त देखो आपका वहाँ पे शर्मा रहा है, ठीक है, आप नाचते हो बहुत अच्छे से नाचते हो, आपका दोस्त एक शर्माता है, उसको खींच के लाते हो, फिर वो शर्म से हाथ पकड़ के घुमाते हो, नचाते हो, गवाते हो, जो भी करवाते हो, फिर वो फिन भाग जाता है, ठीक है, मतलब उसको जितने बार लेते हो भाग जाता है, और आप अच्छे से नाच रहे हो, ठीक है, और आप नाच रहे हो तो आपको लोग देख रहे हैं, जो नाच रहा है, जो नहीं नाच रहा है ना उसको लोग नहीं देखते। तो इस बिजनेस में वैसे ही आपको अगर आप काम करोगे तो आपके डाउनलाइन बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उस दिन आपका टीम आगे बढ़ना बंद कर देती है, ग्रोथ होना रुक जाता है, ठीक है सर। तो ये बिजनेस बिल्कुल सेम है, जो शर्मिंदगी महसूस करेगा वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बोलने का बिजनेस है, ठीक है, ये बोलने का बिजनेस है, ना कि आपको शर्माने का बिजनेस है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के साथ शर्माता तो आज यूट्यूब पे आता, आप लोग क्वेश्चन करते हो, लाइव में आते हो, लाइव में आता हूँ, क्वेश्चन करते हो, जवाब देता हूँ, अगर मैं शर्माता तो आप लोगों के सामने आता, ठीक है सर। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, खुद से जवाब दें। और दूसरा चीज आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग ग्रुप में रहते हो तो आप ऑडियो वीडियो सुनते नहीं हो, अगर मान लो सुनते हो तो अपने ऑडियो वीडियो का क्या हो, रिप्लाई नहीं देते हो, आपको बोला गया है कि आपको जो समझ में आए उस ऑडियो वीडियो में जो ग्रुप में आता है समझ कर, आप उसका ऑडियो बोलिए कि हमको सर ये समझ में आया इस ग्रुप मतलब इस ऑडियो से और वीडियो से, ठीक है। तो आप अपना वहाँ पे जब बोलेंगे ना तो आपको जब आपका डाउनलाइन सुनेगा ना तो वो भी बोलना चाहेगा, अगर आप खुद नहीं बोलोगे अपने डाउनलाइन से बोलोगे कि करो ऐसा करो वैसा करो, आप खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे का करने बोलने का हक है आपका, आप अपने आप से पूछो, ठीक है सर। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि खुद के ऊपर काम करना चालू कर दो, बिजनेस तो आपका बढ़ना चालू करेगा। अपने अपलाइन से अच्छा संबंध बना के काम करो, और जैसा अपलाइन बोलता है वैसा काम करो, काम करने के बाद आगे बढ़ते रहो, फिर देखो आपका बिजनेस कहाँ डेवलपमेंट होगा, ठीक है सर। तो बस इतना ही मैं बता दूँ आप लोगों को, खुद मतलब आपका बिजनेस ना बढ़ने का कारण आप खुद हो, आप नहीं सही से सीखते हो, नहीं सही से सिखाते हो और शर्माते हो, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है सर। अगर हमारे जो अपलाइन है प्रवीण कुमार ठाकुर सर, अगर वो भी शर्माते इस बिजनेस में, आज 55 साल की एज हो गई, ठीक है, वो भी शर्माते तो आज 1 लाख की टीम नहीं बना पाते। और जो हमारे ग्रेट लीडर हैं उनका नाम है जगत सिंह, जो उनकी उम्र है 25 साल की, लगभग आपकी उम्र लोगों की होगी जो 25 साल 26 साल के हैं, ठीक है, वो अगर शर्माते तो आज वो 3 लाख 3.5 लाख की टीम नहीं खड़ी कर पाते, ठीक है सर। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा ना, शर्म शर्म नाम की चीज़ इस बिजनेस में छोड़ दो, आप बात करो। अक्सर आप लोग डरते हो, जो अपने फैमिली के मेम्बर से डरते हो ना, ये भी थोड़ा डरना कम कर दो। आपकी मम्मी आ गई तो फोन मोबाइल साइड रख दो, अपने अपलाइन से बात करना बंद कर दो, पड़ोसी वाला आ गया तो मोबाइल का फ़ोन मतलब काट दो अपने अपलाइन का फ़ोन। ये सब सिस्टम आपको सिर्फ आपको नीचा मतलब आप हमेशा नीचे चले जाओगे, ये सिस्टम हमेशा करोगे जो मैंने वीडियो में बताया, अगर ऐसा आप करोगे तो आपका जो बिजनेस है ना ऊंचा कभी नहीं उठेगा, ठीक है, कभी नहीं उठेगा। आपकी 10-15 की टीम रहेगी, अभी मेरे में किसी की मतलब 4 महीने से ज्वाइनिंग है, और ना बोलने के कारण, ठीक है, ना बोलने के कारण आज उन लोगों की जानते कितनी टीम है, 10 की 15 की 20 की, 4 महीने से, सोचिए यही होता है। तो आप लोग बिजनेस पे ध्यान दीजिए सर, ये बिजनेस बहुत बड़ा है, और आगे करते रहिए, और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, धन्यवाद, जय मॉल 91।